गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आईपी स्टूडेंट्स। चलिए चैप्टर 9 में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेटाबेस इंजन, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था चैप्टर 10 को। सॉरी, चैप्टर 10 है, 9 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं नंपाय अरे। तो आरडीबीएमएस, ये डीबीएमएस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चैप्टर कर रहे हैं। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या है? इन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल्स। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल का मतलब है कि ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें डेटा टेबल्स की फॉर्म में सेव होता है। जिस टेबल्स जिसमें रोज और कॉलम्स रहते हैं, दीज टेबल्स आर कॉल्ड रिलेशंस इन रिलेशनल डेटा मॉडल। एंड अ रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट्स अ रिलेशनशिप अमंग अ सेट ऑफ वैल्यूज। एक रो है जो सेट ऑफ वैल्यूज को कंसिस्ट करके रखती है। एंड सिंस अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ सच रिलेशनशिप्स, मतलब डिफरेंट रोज का कलेक्शन है एक टेबल, इट इज जनरली रेफर टू यूजिंग द मैथ रिलेशन। ये मैथमेटिकल टर्म है रिलेशन, उसी से ये इंट्रोड्यूस हुआ है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, फ्रॉम विच द रिलेशनल डेटा मॉडल डिराइव्स इट्स नेम। एक्चुअली ये मैथमेटिकल टर्म से ही इसका नेम जो है डिराइव हुआ है। नाउ आपको एग्जांपल के लिए कुछ टेबल्स दी हैं, लाइक सप्लायर टेबल है, इसमें कॉलम है सप्लायर नंबर, सप्लायर नेम, स्टेटस एंड सिटी। एंड आइटम टेबल है, कॉलम है आइटम नंबर, आइटम नेम एंड प्राइस। एंड शिपमेंट टेबल है, सप्लायर नंबर, आइटम नंबर, क्वांटिटी सप्लाइड, ये इसके कॉलम्स हैं। ओके, तो इसमें कुछ नहीं है, जस्ट टेबल्स को वैसे ही लिंक करके शो किया हुआ है। डिफरेंट टेबल्स हैं, लाइक सप्लायर टेबल है, सप्लायर टेबल को कनेक्ट किया है शिपमेंट टेबल से। आप रेफरेंस कर सकते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन कर सकते हैं, इन दोनों टेबल्स को रिलेट कर सकते हैं। सप्लायर टेबल के सप्लायर नंबर कॉलम को शिपमेंट टेबल के सप्लायर नंबर कॉलम से अगर आप रेफरेंस करते हैं तो ये दोनों टेबल्स जो हैं रेफरेंस हो जाएंगे। इस तरह से आइटम टेबल और सप्लायर टेबल शिपमेंट टेबल, इन दोनों को आप रेफरेंस कर सकते हैं। आइटम टेबल का आइटम नंबर कॉलम है और यहाँ पे शिपमेंट टेबल का आइटम नंबर कॉलम है। दोनों ही कॉलम्स हैं, इनके थ्रू आप ये कॉमन कॉलम है दोनों टेबल में, इसके थ्रू आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकते हैं। आइटम टेबल में आइटम नंबर को प्राइमरी की बनाओ और शिपमेंट टेबल को आइटम शिपमेंट टेबल में आइटम नंबर को आप फॉरेन की बनाओ, तो इससे हम दोनों को रेफरेंस कर सकते हैं। और इसी तरह से सप्लायर और शिपमेंट टेबल को सप्लायर नंबर कॉलम से रेफरेंस कर सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, जस्ट आपको इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको रीड कर लेना अपने आप ही। यस, नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए नेक्स्ट पेज पे कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल। कंपोनेंट्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स इसमें डिस्क्राइब किए हैं, टेबल के कुछ बेसिक टर्म्स हैं टेबल से रिलेटेड वो डिस्क्राइब की हैं। लाइक बाइट। बाइट क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स यूज टू स्टोर वन कैरेक्टर। डेटा आइटम क्या होती है? एक पर्टिकुलर फील्ड की जो वैल्यू होती है उसी को डेटा आइटम कहते हैं। डेटा आइटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेम डेटा एंड इट मे कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ बिट्स और बाइट्स। डेटा आइटम रिप्रेजेंट्स वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इज ऑफन रेफर टू एज अ फील्ड और डेटा एलिमेंट। रिकॉर्ड क्या होता है? एक पर्टिकुलर रो है, टपल है, उसी को हम क्या कह सकते हैं? रिकॉर्ड कह सकते हैं। अ रिकॉर्ड इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा आइटम्स व्हिच रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड टेबल क्या है? इट इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ ऑल अकरेंसेस ऑफ अ गिवन टाइप ऑफ लॉजिकल रिकॉर्ड्स। इसके बाद आपको एक टेबल गिवन है, टेबल में डिफरेंट आइटम, डिफरेंट छोटे छोटे टॉपिक्स जो बेसिक टर्म्स होते हैं टेबल से रिलेटेड उनको इसमें डिस्क्राइब किया है। फील्ड्स क्या होते हैं? फील्ड्स आर द कॉलम्स कंटेनिंग वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? रोज होती हैं टेबल की। रिकॉर्ड्स आर द रोज रिप्रेजेंटिंग वन कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। अ लॉजिकल रिकॉर्ड कंटेन्स कंटेंट ऑफ ऑल द फील्ड्स। और टेबल क्या होती है? इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑल द लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स। अब ये कुछ आपको यहाँ पे टर्म्स दिए हैं, लाइक ये एक टेबल गिवन है आपको सेल्समैन से रिलेटेड। तो सेल्समैन नंबर है इसमें, फर्स्ट नेम, सरनेम, सेल्समैन एंड टारगेट, ये कॉलम्स हैं इसके। तो सेल्समैन नंबर देखो यूनिक यूनिक वैल्यूज हैं सेल्समैन नंबर में, तो इसको हम प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं। ये डिफरेंट कॉलम्स हैं, इनको हम क्या कहेंगे? फील्ड्स हैं ये इस टेबल के। और ये डिफरेंट डेटा वैल्यूज हैं, लाइक ये स्वामी, ये क्या है? एक डेटा वैल्यू है। और स्वामी कितने बाइट्स की डेटा वैल्यू है? कितने कैरेक्टर्स हैं इसमें? 5 कैरेक्टर्स हैं, तो इट टेक्स 5 बाइट्स। ठीक
है, और कंप्लीट रिकॉर्ड, एक पूरी कंप्लीट रो है, इसको हम एक रिकॉर्ड कहेंगे, ठीक है। ये इसी की डिस्क्रिप्शन है, जैसे अभी मैंने बताया है, ये इसी की डिस्क्रिप्शन है, आप इसको रीड कीजिए। और इसके बाद आपको कुछ एग्जांपल्स मेंशन है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, लाइक ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर है, माई सीक्वल, IBM DB2 है, IBM इन्फोमिक्स है, और साइबेस है, ठीक है, सैप से रिलेटेड है, पोस्टग्रेस सीक्वल है, और माई एसक्यूएल है, ये सभी डेटाबेस RDBMS के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट हो जाता है। तो टर्मिनोलॉजी देखिए क्या है, रिलेशनल डेटाबेस टर्मिनोलॉजी, रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स गिवन है आपको। जैसे कि रिलेशन, रिलेशन क्या है, इन जनरल टर्म अ रिलेशन इज अ टेबल, हम सबको पता है कि रिलेशन क्या है, टेबल को ही रिलेशन कहते हैं RDBMS में। डेटा अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स, और टेबल्स में क्या रहता है, डेटा हमारा रोज और कॉलम्स में अरेंज रहता है। अ रिलेशन इज द, रिलेशन जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। इन एनी गिवन कॉलम ऑफ अ टेबल ऑल आइटम्स आर ऑफ सेम काइंड, देखिए किसी भी टेबल में ऑल आइटम्स आर ऑफ, किसी भी कॉलम में, टेबल के किसी कॉलम की जितने भी आइटम्स होंगे वो क्या होंगी, सभी की सभी सेम टाइप की होंगी। देखिए किस तरह से होंगी सेम टाइप की, सपोज ये सेल्समैन नंबर है, ये कॉलम है, तो इसमें जितने भी आइटम्स हैं वो सेल्समैन नंबर टाइप की ही होंगी, उसमें सेल्समैन का नंबर ही डालेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें हम फर्स्ट नेम की वैल्यू डाल दें या फिर हम इसमें सेल्स मीट की वैल्यूज भी इसी कॉलम में डाल दें, तो कोई भी कॉलम है उसमें सेम टाइप की वैल्यूज होंगी। एंड वेयर इज आइटम्स इन डिफरेंट कॉलम्स में नॉट बी ऑफ द सेम काइंड, तो अलग अलग कॉलम्स हैं, डिफरेंट कॉलम्स में ऐसा नहीं है कि सभी में सेम तरह की, सेम टाइप की वैल्यूज होंगी, नहीं, एक सिंगल कॉलम है उसमें एक ही तरह की वैल्यूज होंगी, नेक्स्ट कॉलम है उसमें डिफरेंट टाइप की कोई वैल्यूज होंगी, तो अलग अलग कॉलम्स हैं सभी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज होंगी टेबल में। फॉर अ रो ईच कॉलम मस्ट हैव एन एटॉमिक वैल्यू, एक रो में क्या है, फॉर अ रो, एक रो में हर कॉलम की वैल्यू क्या रहेगी, इंडिविजुअल रहेगी, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉर अ रो अ कॉलम कैन नॉट हैव मोर देन वन वैल्यूज, और एक ही रो में एक वैल्यू की हम एक कॉलम की एक से ज्यादा वैल्यूज मेंशन नहीं कर सकते हैं। लाइक देखिए किस तरह से, सपोज ये रो है, एक रो है सुभाष की, तो यहाँ पे अगर हम सुभाष की रो ले रहे हैं तो सुभाष का फर्स्ट नेम क्या है, सुभाष है, और यहाँ पे हम किसी और का फर्स्ट नेम इंक्लूड नहीं कर सकते। फर्स्ट नेम में हम एक ही सेल्समैन का नेम डालेंगे, उसके मल्टीपल सेल्समैन का नेम एक ही रो में नहीं डाल सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे कि सिंगल रो में हम एक ही कॉलम की वैल्यू को मेंशन करेंगे, हर कॉलम की एक एटॉमिक वैल्यू रहेगी। एंड ऑल्सो फॉर अ रो अ कॉलम कैन नॉट हैव मोर देन वन वैल्यू, किसी भी रो में एक कॉलम की मल्टीपल वैल्यूज नहीं डाल सकते हैं। ऑल रोज ऑफ अ रिलेशन आर डिस्टिंक्ट, सभी रोज जो है रिलेशन की टेबल की डिस्टिंक्ट रहेंगी, यूनिक रहेंगी, कोई भी रिपीटेड रो रेंज नहीं होगी। अगर हम रोज को रिपीट करेंगे तो फिर हमारा RDBMS को कोई यूज नहीं है, RDBMS हमारा यूजलेस है। दैट इज अ रिलेशन डज नॉट कंटेन टू रोज व्हिच आर आइडेंटिकल इन एवरी कॉलम, दैट इज ईच रो ऑफ द रिलेशन कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय इट्स कंटेंट्स, देयर इज नो ऑर्डर मेंटेन फॉर रोज इनसाइड अ रिलेशन। रिलेशन के अंदर जो है, टेबल के अंदर जो है, रोज का कोई ऑर्डर मेंशन नहीं होता। अगर हम टेबल से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो हम कुछ इस तरह से नहीं डालते हैं कि डिस्प्ले रो नंबर 3, डिस्प्ले रो नंबर 4, ऐसे हम डेटा को एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो डेटा में, टेबल में रो का किस तरह का कोई ऑर्डर मेंशन नहीं होता है, दैट इज वी कांट रिट्रीव एनी थिंग बाय सेइंग दैट फ्रॉम रो नंबर 5 कॉलम नेम दिस, इस तरह से रिट्रीव नहीं करते हैं। द कॉलम ऑफ अ रिलेशन आर असाइन डिस्टिंक्ट नेम्स, कॉलम ऑफ अ रिलेशन, देखिए एक रिलेशन में जितने भी कॉलम्स होंगे उनके नेम जो है क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। जैसे सेल्समैन नंबर कॉलम अगर एक बार हम मेंशन कर चुके हैं तो नेक्स्ट टाइम हम सेल्समैन नंबर कॉलम इस टेबल में नहीं डालेंगे। फर्स्ट नेम अगर एक बार आ गया है तो नेक्स्ट टाइम हम फर्स्ट नेम को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। ये है रिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज। फिर डोमेन क्या होता है, इस टर्म को भी डिस्कस कर लेते हैं। डोमेन, अ डोमेन इज अ पूल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच द एक्चुअल वैल्यूज अपियरिंग इन अ गिवन कॉलम आर ड्रॉन।
डोमेन क्या है, एक पूल ऑफ वैल्यूज है, एक सेट ऑफ वैल्यूज है, जहां जहां से एक पर्टिकुलर कॉलम अपने एक्चुअल वैल्यूज को डिराइव करेगा. फॉर एग्जांपल, वैल्यूज अपीयरिंग इन द सप्लायर नंबर कॉलम ऑफ बोथ द सप्लायर्स टेबल एंड द शिपमेंट टेबल आर ड्रॉन फ्रॉम द अंडरलाइंग डोमेन ऑफ वैलिड सप्लायर नंबर्स. देखो जिस तरह से यहाँ ऊपर जाकर के एक एग्जाम्पल था हमारा, यस सप्लायर, ये सप्लायर टेबल है और ये शिपमेंट टेबल है, तो यहाँ पे सप्लायर नंबर कॉलम क्या है, सप्लायर नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं, शिपमेंट टेबल के लिए सप्लायर नंबर कॉलम का डोमेन क्या है, S1, S2 और S3. तो शिपमेंट टेबल जो है, सप्लायर नंबर, यहाँ कौन से नंबर एक्सेस हो सकते हैं, सिर्फ S1, S2 और S3, यहाँ इसके बाहर कोई वैल्यू एक्सेस नहीं कर सकता है, तो यही इसका डोमेन है. वापस वहीं चलते हैं. यस, नाउ अ डोमेन इज सेड टू बी एटॉमिक इफ एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन आर कंसीडर्ड टू बी इंडिविजुअल यूनिट्स. फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन एटॉमिक डोमेन बट द सेट ऑफ ऑल सेट्स ऑफ इंटीजर इज नॉन एटॉमिक डोमेन. देखो यहाँ पे आपको सप्लायर और शिपमेंट टेबल का एग्जाम्पल भी दिया. सपोज अगर हम सप्लायर टेबल लें, सप्लायर टेबल का जो डोमेन है, सप्लायर टेबल का डोमेन क्या है, ये है. और शिपमेंट टेबल, अगर हम सप्लायर टेबल का डोमेन ये कंसीडर कर रहे हैं, तो शिपमेंट टेबल का भी डोमेन क्या रहेगा, यही रहेगा. ठीक है, और अगर हम इन दोनों टेबल्स को रेफरेंस कर देते हैं, तो सप्लायर टेबल को हम पेरेंट टेबल बना देते हैं और शिपमेंट टेबल को चाइल्ड टेबल बना देते हैं, तो उस केस में क्या रहेगा, जो शिपमेंट टेबल का सप्लायर नंबर का कॉलम जो है, इसका डोमेन क्या रहेगा, ये अपना डोमेन कहाँ से लेगा, इसका डोमेन रहेगा सप्लायर टेबल का सप्लायर नंबर कॉलम, और सप्लायर नंबर कॉलम का डोमेन क्या है, ये है. सप्लायर नंबर में हमारे पास कौन कौन से सप्लायर्स हैं, S1, S2, S3, S4, S5, S6, ये कहाँ तक है, S7 तक, यहाँ पे ये कॉलम में वैल्यूज आ सकती हैं, और इस कॉलम की वैल्यूज इससे बाहर नहीं हो सकती हैं अगर हम दोनों को रेफरेंस करते हैं. ठीक है, तो चलिए ये कुछ और टर्म्स गिवन है, लाइक टपल है. टपल आपको पता है कि टपल क्या होता है, टपल इट इज अ, ये क्या है, रो है किसी टेबल की, इसको टपल कहते हैं. एट्रीब्यूट क्या है, कॉलम किसी भी टेबल का, उसको एट्रीब्यूट या हम फील्ड भी कह सकते हैं. डिग्री क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ रिलेशन दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ दैट टेबल. एंड द कार्डिनलिटी क्या है, कार्डिनलिटी टोटल नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन अ रिलेशन दैट इज नोन एज कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल. एंड कार्डिनलिटी में कभी भी हेडर रो को इंक्लूड नहीं करते हैं. तो बस यहीं तक डिस्कस करेंगे. डिग्री और कार्डिनलिटी एक बार यहाँ से एग्जांपल लेके बता देती हूँ. देखो जैसे डिग्री, अगर हम शिपमेंट टेबल की डिग्री पूछें, तो क्या होगी शिपमेंट टेबल की डिग्री, 1, 2, 3, इसमें 3 कॉलम्स हैं, 1, 2, 3, तो इसकी डिग्री क्या है, 3 है. और इस तरह से अगर हम इसकी कार्डिनलिटी पूछें, तो क्या रहेगी, इसकी कार्डिनलिटी 5 है. कैसे है 5, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कितनी रोज हैं, 5 रोज हैं, तो इसकी जो कार्डिनलिटी रहेगी शिपमेंट टेबल की, ये 5 रहेगी. ओके, चलिए यहीं तक कीजिए. ओके, बाय.